गाइस वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 4, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। दो चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डियर, और मुझे ये जो चार्ट होता है ये ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करने में आसान हो जाता है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एग्रीकल्चर के क्या हालात थे, उन्होंने में कैश क्रॉप के लिए जो है कहीं ना कहीं फोर्स करा। और जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा डियर, मैं एक वन शॉट वीडियो लाऊंगी, और वन शॉट का मतलब आपके पास समरी फॉर्म में अवेलेबल होगा, यानी पूरे चैप्टर की समरी भी आपके पास अवेलेबल होगी। तो पहले आप पार्ट वाइज चैप्टर की नॉलेज गेन कर लीजिए, और अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और आपको रिविजन वीडियो चाहिए 15-20 मिनट की, तो वो भी हम फटाफट लाएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन एज वेल एज इस पार्ट के अंदर मैं आपके साथ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। होपफुली फिफ्थ पार्ट में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जरूरी यही है कि हम छोटे छोटे टॉपिक पे भी उतना इंपॉर्टेंस दें, बिकॉज इसके अंदर बीच बीच में से क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करें। तो सबसे पहले ये डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है, एग्रीकल्चर समझ में आ गया, जमींदारी सिस्टम, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी, प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस था, फॉरेन ट्रेड भी समझ में आ गया कि हम लोगों से कच्चा माल एक्सपोर्ट करवाया करते थे और हमसे फिनिश गुड इंपोर्ट करा करते थे। तो बड़ी चालाकी से उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को भी, आधे से ज्यादा हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के साथ ही चल रहा था। स्वेज कनाल भी उन लोगों ने ओपन कर दी थी, जिसकी वजह से उनको आसानी होती थी ब्रिटेन के अंदर इंडिया से सामान भेजना। वाटर आपके पास रास्ता था, बाय वाटर आपके पास रास्ता क्रिएट करा था स्वेज कनाल, तो वहां से भी उनको आसानी हो गई। व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन, ये तो था हमारा पिछला पोर्शन जो हमने एक बार रिवाइज कर लिया ऊपर से। डेमोग्राफिक कंडीशन डियर, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट ना डेमोग्राफिक कंडीशन से ही जज होती है। मतलब किसी भी कंट्री में मेरा मानना यह है कि अगर उस कंट्री की डेमोग्राफिक कंडीशन अच्छी है, दो चीजें जरूरी होती हैं, उस कंट्री की जीडीपी क्या है, दूसरा मुझे लगता है उस कंट्री का डेमोग्राफिक कंडीशन, ये दोनों मिलकर डेवलपमेंट का पेरीमीटर होती है। अगर जीडीपी बढ़ रही है और डेमोग्राफिक कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो बेकार है ऐसा जीडीपी का बढ़ना। व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन, मान लेते हैं कि आपके देश में जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी का मतलब है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो तब भी बढ़ सकती है जब अमीर अमीर हो रहा हो और गरीब गरीब हो रहा हो, वो तो टोटल इनकम है, वो तो बढ़ ही जाएगी। व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन, अगर मेरे देश के अंदर लिटरेसी रेट बढ़े, अगर मेरे देश में एजुकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हो, अगर मेरे देश में बर्थ रेट तो मॉडरेट रहे, डेथ रेट कम हो जाए, यानी हेल्थ फैसिलिटीज, यानी जिसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, एजुकेशन, हेल्थ और रोड वगैरह, ये सब चीजें अगर मेरी कंट्री के अंदर बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे देश की डेवलपमेंट जज करती है ना डियर। अगर मेरी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लिटरेट लोग हैं, मेरी कंट्री के अंदर अच्छी वाटर फैसिलिटीज हैं, आपकी जो एयर है वो आपको प्योरीफाइड फॉर्म में मिलती है, वाटर आप अच्छा पी पाते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहन सहन का स्तर आपका अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज यानी हॉस्पिटल, जैसे कोरोना के दौरान आप लोगों ने देखा ही कि जो सबसे पुअर सिचुएशन है हेल्थ फैसिलिटीज, हमें समझ में आ गया कि हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है, हमें इस तरीके के क्लिनिक्स की जरूरत है जहां पर ट्रीटमेंट किया जा सके। हॉस्पिटल तो हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत महसूस हुई इस दौरान, जब आपने देखा होगा। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में यही चीजें जज करी जाती है। तो एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ड्यूरिंग द कोलोनियल रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या हालात थे हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वेरी हाई बर्थ रेट एंड वेरी हाई डेथ रेट, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा थी भाई, दोनों ही चीजें बहुत आई थी। क्या फायदा, बर्थ रेट भी आई था और डेथ रेट भी आई था आपके पास, यानी मरने वाले लोग भी ज्यादा थे क्योंकि इलाज की फैसिलिटी नहीं थी, है ना, और जमा जो पैदा होते थे वो भी बहुत ज्यादा थे। इसके पीछे तो आप लोगों को रीजन पता ही है कि हमारे देश की कम्युनिटी में ये माना जाता था कि ठीक है भाई, भगवान देता है बच्चे, तो उसको लेकर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी जाती थी, तो बर्थ रेट तो वैसे ही हाई था। लेकिन क्योंकि कोई मेडिकल फैसिलिटीज, इतना ज्यादा हॉस्पिटल्स और ये सब फैसिलिटीज नहीं थे, इस वजह से डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। और अगर आप बात करेंगे ब्रिटिश रूल की या अंग्रेजों की, उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करी। हाँ, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह खोले होंगे लेकिन अपने इलाज के लिए, हमारे इलाज के लिए नहीं। तो अगर हम आपको ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल ये बताएं कि क्या डेमोग्राफिक कंडीशन थी, तो वेरी हाई बर्थ रेट एंड वेरी हाई डेथ रेट, यानी मरने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती थी और जन्म लेने वाले संख्या जो लोग होते थे उनकी संख्या भी, उनका रेट भी ज्यादा होता। दूसरा शब्द है आपके पास लिटरेसी, लिटरेसी होती है पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। तो अगर उसके हालात की बात करी जाए तो भाई एजुकेशन भी बहुत पुअर थी, यानी लो लिटरेसी रेट था आपकी कंट्री का।
लो भी क्या, वेरी लो भी बोल सकते, लो लिटरेसी रेट, यानी एजुकेट नहीं होने देते थे। फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं उस टाइम स्कूल कॉलेजेस थे, कुछ तो पढ़ाई लिखाई होती थी। हाँ भाई, उनका दिया ही है स्कूल कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम उनका दिया हुआ है। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे शायद फिफ्थ में, बहुत बुराई देख ली हमने अंग्रेजों की, एक फिफ्थ पार्ट में आपके पास आएगा कि अंग्रेजों ने हमें बेनिफिट क्या पहुंचाया, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे। तो डियर एक बात बताइए, रोड, ये वाटर जो फैसिलिटीज दी इन्होंने, ये जो एजुकेशन सिस्टम की आप बात करते हैं, अभी भी आप जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो काफी हद तक उनका दिया ही हुआ है। लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पढ़ने देते थे जो उनके यहाँ वर्कर के तौर पर या स्लेव्स के तौर पर काम करते थे। यानी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम खोला लेकिन हर किसी को अलाउड नहीं था वहां पे पढ़ना। जिन लोगों से उन्होंने काम निकलवाना होता था, सिर्फ उन्हीं लोगों को उन स्कूल या फिर उन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए अलाउ करा जाता था, या फिर उस टाइम पे बहुत रिचेस्ट लोग जो हुआ करते थे वो लोग ही उन फैसिलिटीज का फायदा उठा पाते थे। और आपको पता है कि आपकी हमारी कंट्री में रिचेस्ट की जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो लिटरेसी रेट भी बहुत लो था। यही तो डेमोग्राफिक कंडीशंस होती हैं, इसी से तो जज होता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट। तो लिटरेसी रेट भी बहुत लो था। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी सेकेंड पॉइंट के अंदर, फीमेल लिटरेसी रेट इज नेग्लिजेबल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल का लिटरेसी रेट क्या था, उनमें कितनी पढ़ी लिखी औरतें थी, तो उस दौरान पहली बात तो हमारे समाज के थ्रू भी ये नहीं माना जाता था कि गर्ल्स को ज्यादा पढ़ने दिया जाना चाहिए। दूसरा, इतनी रिस्ट्रिक्शंस के दौरान इतना ज्यादा फंड चाहिए होता था, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज होती थी, वो खुद यही चाहते थे कि हमारे इंडियंस ना पढ़े, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ा लिखा इंसान जब नॉलेजेबल होता है तो वो सवाल करने लायक हो जाता है। गांधी जी जब एजुकेटेड थे या भगत सिंह ने एजुकेशन ली, तो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आया ना कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो आवाज उठाई उन लोगों ने। तो वो नहीं चाहते थे कि एजुकेशन हो। आज भी हमारे देश के नेता लोग ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे देश की एजुकेशन कहीं ना कहीं रुक जाए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात होती है, जब इंसान एजुकेटेड होता है तो वो काफी चीजों में लॉजिकल लगाने लग जाता है, और जहां लॉजिक लगाता है वहां क्वेश्चनिंग अराइज होती है, राइट। तो चलिए वो बात अलग है, बट अगर हम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की बात करें तो लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा लो था, और बात करें फीमेल लिटरेसी रेट की तो नेग्लिजिबल, यानी 0.1% जो फीमेल्स हुआ करती थी वो ही उस दौरान पढ़ा करती थी। हम ये नहीं कहेंगे कि एक भी औरत वहां पे पढ़ती नहीं थी उस दौरान, 0.11% एक रेट, हम एक अप्रोक्सीमेट रेट आपको बताते हैं कि उस दौरान बहुत नेग्लिजिबल रेट था कि वुमेन्स को पढ़ाया जाता था, राइट। तो सबसे पहला, बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज, ये जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज है, कि ना के बराबर थी। उसके बाद लिटरेसी रेट भी बहुत पुअर था, और खास तौर पे जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो तो बहुत ही लो था। इन्हीं चीजों को आप इस चार्ट के थ्रू बना के रखिए, रिविजन करनी है, इसी के आप पॉइंट्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पुअर पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, पब्लिक फैसिलिटीज होती है अच्छा साफ पानी, अच्छी साफ हवा, ठीक है, पार्क, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज होती है। पब्लिक गुड्स भी बोलते हैं मेरे बच्चों इनको, पब्लिक गुड्स भी बोला जाता है, जो कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर में भी यूज होता है, गवर्नमेंट बजट में आपके पास आता है पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक गुड को याद भी रखना है। तो पब्लिक फैसिलिटीज के नाम पर भी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था उन लोगों ने, कोई खास कोई हमारे लिए पार्क बनाए हो जहाँ पर हम जाकर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, या फिर कोई खास मेडिकल फैसिलिटीज बनाई हो, नहीं, वाटर प्यूरीफायर के कोई सिस्टम क्रिएट करे हो, जैसे अब आपके पास जो पानी आता है उसको प्योरीफाई करा जाता है, उसको कई स्टेजेस से गुजारने के बाद आप उस पानी को पीते हैं तो वो पीने लायक बन जाता है, राइट। लेकिन उस टाइम इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लोग नहर के पानी में जहां पर कपड़े धोते थे वहीं से पीने का पानी भी ले आते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो थी वो बुरी सिचुएशन में थी, तो उनमें से एक है पुअर पब्लिक फैसिलिटीज, यानी उस टाइम आपके पास वाटर और एयर बॉर्न जो डिसीज होती थी, क्योंकि पानी साफ सुथरा नहीं होता था, हवा साफ सुथरी नहीं होती थी, सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, तो वहां पर उस टाइम इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी। महामारी के नाम से आप सुनते होंगे कि इस तरीके की महामारी हो गई, महामारी का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा फैल जाए, जैसे कोरोना इज ऑल्सो, है ना, हिंदी टर्म्स में अगर आप बोलोगे तो उसको महामारी, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गई। तो पुअर पब्लिक फैसिलिटी, उन्होंने इस तरीके की डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया कि हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा खोले जाए, वाटर बॉडीज को जो है वो पीने लायक पानी लोगों तक पहुंचाया जाए, इन चीजों पर उनका कोई ध्यान नहीं। तो पुअर पब्लिक फैसिलिटी इज अनदर ड्रॉबैक जो कि डेमोग्राफिक कंडीशन में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट। व्हाट इज इन्फेंट मोरालिटी रेट? हो सकता है आप में से बहुतों को पता हो, इन्फेंट मोरालिटी रेट होता है एक साल से कम के बच्चों की डेथ होना, तो वो भी बहुत ज्यादा थी, वो भी बहुत ज्यादा थी, हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट।
तो मोरालिटी रेट दैट मीन्स डेथ रेट ऑफ अ चिल्ड्रन लेस देन द एज ऑफ वन ईयर दैट इज ऑल्सो वेरी हाई. ये भी बहुत बुरी सिचुएशन थी, बहुत अच्छा नहीं था उस टाइम. आप लोगों को पता ही है सेम रीजन है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं होती थी, लोग घरों में ही जो है बेबीज को बर्थ दिया करते थे, तो बहुत सारे बेबीज जो होते थे उनकी डेथ हो जाती थी. तो हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट इज द अनदर फीचर ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश. फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, लो एक्सपेक्टेंसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? जीने की चाह, जीने की इच्छा, जीने की जो लाइफ का एक एक्सपेक्टेशंस होता है वो उस टाइम बहुत लो था. जैसे अभी की अगर आप बात करेंगे तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो चुकी है. अगर फॉर एग्जांपल 40-50 की एज में किसी को कोई बीमारी भी होती है तो गॉड ग्रेस, या फिर आप कह सकते हो मेडिकल डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि कोई कोई बीमारियों का इलाज हो जाता है और वो सर्वाइव कर सकता है 90 तक. यानी आज हम एक एज बोल सकते हैं 70-80-90 तक इंसान जी जाता है. यानी उसकी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि यार इतना तो हम जिएंगे. लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सेम रीजन है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, ना कोई अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज थी, वही रीजन बना था लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का. तो जीने की जो विश थी, जो जीने का एक एक्सपेक्टेंसी होता था कि इतने एज तक एक पर्सन जिएगा, वो बहुत ही लो था, राइट. इसके अलावा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहने सहने का स्तर, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो बेसिक चीजें होती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट बनती है. आपके पास अगर 3 वक्त का खाना आ रहा है, सही पानी मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है उसे बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना. तो उस टाइम अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो वो भी हमारे देश के लोगों का काफ़ी लो था. इतना अच्छा क्वालिटी खाना, क्वालिटी एयर, क्वालिटी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी तो बस आप बता ही सकते हैं कि बहुत ही कम जगहों तक पहुँचती थी. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो काफ़ी लो था. लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाइड स्प्रेड हमारी पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी डियर. सब जगह पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. उसके पीछे आप रीज़न जानते थे, इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो बटी हुई थी, ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर में थी बट कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थी, बट इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि हमने पिछले पार्ट में बताया पार्ट 3 में एक्सप्लॉइट कर दिया उसको. वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, कुछ लोग उसमें से एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करे, लेकिन कुछ लोग कहीं शिफ्ट नहीं कर पाए. एग्रीकल्चर में फार्मर्स को भी एक्सप्लॉयड करा. तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी आपको देखने को मिलता है. हाँ, उस टाइम बस आप ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं कैलकुलेट करा जाता था. जैसे आज आप लोग आप देखते हैं एजुकेशन को लेकर बताया जाता है कि ये रेट है आपकी देश में लिटरेसी रेट, या फिर पॉवर्टी रेट ये है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है. उस दौरान ये सब कैलकुलेट तो नहीं करा जाता था, कोई रिलायबल डेटा तो नहीं है, बट फिर भी हम ये कह सकते हैं, बहुत सारे क्लूज हैं हमारे पास कि उस टाइम वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. तो ये चार्ट आई होप आपके लिए मदद करेगा. अगर आप डेमोग्राफिक कंडीशन को समझना चाहते हैं सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, इसे पेन से लिखिए, याद आपको हो ही गया होगा, आप फटाफट से खुद भी लिख सकते हैं. तो व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन? डेमोग्राफिक कंडीशन होती है किसी भी कंट्री की नॉर्मल जो रहने सहने की कंडीशन है, और वही जज बनता है इस बात का कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं. अब किसी कंट्री में अगर मॉडरेट बर्थ रेट है, मॉडरेट डेथ रेट है, डेथ रेट तो कम ही होना चाहिए, बर्थ रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मॉडरेट बर्थ रेट हो, लिटरेसी रेट हाई हो, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी हो, इन्फेंट मोरालिटी जितना कम हो सकता है कम हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का ज्यादा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, पॉवर्टी कम हो, तो आप बताइए ऐसी कंट्री के लिए आपका क्या शब्द निकलेगा? दैट कंट्री इज डेवलप्ड. तो डेमोग्राफिक कंडीशन मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि सबसे अच्छा पैरीमीटर है जज करने के लिए किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट. तो बेसिक चीजें यही चाहिए, रोड, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, एजुकेशन, ये सब चीजें चाहिए मेरे बच्चों, जिसकी वजह से आप किसी कंट्री की डेवलपमेंट को जज कर सकते हो. चलिए, आई होप डेमोग्राफिक कंडीशन इज ओके. अब हम आपको 2 इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे, उनको ध्यान रखना है बिकॉज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है. सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब किया गया था? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब किया गया था? व्हाट इज सेंसस? पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस. सेंसस होता है पॉपुलेशन को काउंट करना, एक एक बंदे को काउंट करना. इंडिया में ही ऐसा होता है कि सेंसस करा जाता है, नहीं तो सैम्पलिंग होता है. सेंसस का अपोजिट होता है सैम्पलिंग. जब आप एक एक आइटम को काउंट करते हो उसको सेंसस बोलते हैं. जब हम कुछ चीज़ों को लेकर बस उसके बिहाव पर रिजल्ट निकाल लेते हैं वो सैम्पलिंग होता है. जैसे आप चावल देखने गए, आपने एक दाने को देखा विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो सेंसस है. लेकिन अगर आपने थोड़े से मुट्ठी भर चावल उठाए और अंदाज़ा लगाया तो वो सैम्पलिंग है. तो हमारे देश में पॉपुलेशन को लेकर सेंसस करा जाता है, यानी एक एक बंदे को काउंट करा जाता है ताकि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन चेक हो सके. अब तो जो सेंसस होता है उसमें काफ़ी कमियां दूर हो चुकी हैं, बिकॉज जो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881, इट्स अ ईयर ऑफ 1881, प्लीज़ इसे याद रखिएगा, 1 मार्कर में बहुत बार आपसे पूछा जाता है.
हम आपको चाहते हैं कोई भी टॉपिक आपका ना देख रहे वीडियो देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आया आप क्रैक कर सकें। तो जब ये फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था तो बहुत सारी कमियां थी भाई, फर्स्ट टाइम में तो हो ही जाता है एरर, उसमें क्या दिक्कत है। धीरे धीरे कमियां जो है वो दूर होती गई, और आज आपका जो ऑफिशियल सेंसस होता है वो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जो इतनी सारी कमियां रही धीरे 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 उनको दूर कर दिया गया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपने याद रखना है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ध्यान रखिएगा इसको, दैट इज 1921. Why it is called year of great divide? Because before this year, मतलब 1921 से पहले और 1921 के बाद demographic condition में changes देखने को मिले। 1921 से पहले birth rate भी बहुत ज्यादा थी, high, और death rate भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन 1921 के बाद डेथ रेट जो थी डियर वो डिक्लाइन होने लगी, एंड दैट इज अ गुड साइन। डेथ रेट कम होने लगी क्योंकि डेथ रेट कम होने लगी और बर्थ रेट वही की वही थी, तो जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होने लगी। वैसे तो ये एक अच्छा साइन नहीं है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट ये तो एक अच्छी बात है ना कि फैसिलिटीज थोड़ी सी आई है, जो भी रीजन रहा डेथ रेट आपकी डिक्रीज हुई है। तो इसलिए ग्रेट डिवाइड इसलिए बोला जाता है कि 1921 से पहले कुछ अलग हालात थे, इसको फर्स्ट फेज बोला जाता है डेमोग्राफिक कंडीशन का, और इसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशन में जो फर्स्ट चीज जो हमने पढ़ी है उसमें बदलाव आया। और आपको पता है ज्यादातर चीजों का रीजन पॉपुलेशन ही रहता है, पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज का रीजन पॉपुलेशन ही आ जाता है, राइट। तो क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है जितनी तेजी से इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं वही बनी रहती है। तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है बिकॉज इससे पहले डेमोग्राफिक कंडीशन, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, और उसके बाद जो डेथ रेट थी वो डिक्लाइन होने लगी और बर्थ रेट वहीं की वहीं बनी रही, तो मरने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और पैदा होने वाले संख्या ज्यादा हो गई, वहीं की वहीं रह गई, तो पॉपुलेशन जो थी कंट्री के अंदर इंक्रीज हो गई। तो आई होप आपको डेमोग्राफिक कंडीशन और ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो क्लियर रही हूँ। अब हम आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, राइट। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये भी एक टॉपिक है आपके पास, कि ब्रिटिश रूल के दौरान लोगों का काम क्या था। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि उनका मेन वो क्या चीज में अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए कमाई करते थे, कौन से सेक्टर्स थे जहां पर ज्यादा लगे हुए थे हमारे पास। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, यानी जो वर्क फोर्स थी हमारे इंडिया की वो ज्यादा कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड थी। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि वर्क फोर्स कौन से तीन सेक्टर में काम कर सकती है। तो शायद आपने सुना भी हो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। देखिए प्राइमरी सेक्टर होता है हमारे पास, सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारे पास, एंड द लास्ट वन इज टर्जरी या टेरिटरी, जो भी आपको लगता है वो आप बोल सकते हैं। तो टर्जरी सेक्टर होता है हमारे पास, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, टर्जरी सेक्टर है आपके पास तीसरा, राइट। अब इनको समझते हैं पहले, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो वर्क फोर्स था वो ज्यादा किस सेक्टर में लगा हुआ था। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, रॉ मटेरियल सेक्टर जिसको बोला जाता है, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपके पास प्राइमरी सेक्टर में। कोई अगर फार्मिंग करता है, फिशिंग करता है, ये सारी जो एक्टिविटी है ना ये प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, फॉरेस्ट्री हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपके पास प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी है, दैट इज व्हाट प्राइमरी सेक्टर। नंबर सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको बोला जाता है, जो प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाकर मार्केट में बेचना, यानी यहां से शुगर केन मिलेगा, शुगर केन से शुगर बना के बेचना, तो शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जिसका काम है कुछ प्रोड्यूस करना, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब आप चॉकलेट इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करती है प्राइमरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करती है, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर,
इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? टर्जरी सेक्टर. दैट इज अ सर्विस सेक्टर समहाउ. सर्विस सेक्टर. सर्विस किस किस तरीके की? कम्युनिकेशन. जैसे अब आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपके पास एक जगह से दूसरी जगह क्या है? कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बैंकिंग सर्विसेज भी इसी के अंदर आती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज भी इसी के अंदर आती हैं. ये सारी सर्विसेज यानी ये सारे जो काम करे जाते हैं इसको बोलते हैं टर्जरी सेक्टर. अब आपको खुद भी आइडिया होगा, ये तो हमने आपको बता दिया कि जो वर्कफोर्स लग सकती है वो तीन डिफरेंट सेक्टर्स में लग सकती है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्जरी सेक्टर में. अब आप लोगों से अगर हम पूछें कि कॉलोनियल रूल के दौरान या उससे पहले भी अगर आप बात करें तो हमारा जो वर्कफोर्स था, जो वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस सेक्टर्स पर ज़्यादा था, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी 72% से ऊपर की पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पे लगी हुई थी. 72, कई लोग 82 लिखते हैं, तो मोर ऑर लेस कहने का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डूइंग यू नो वर्कफोर्स इन्वॉल्विंग इन प्राइमरी सेक्टर, यानी माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, ये सब एक्टिविटीज हम लोग ज्यादा करते थे. यानी हमारी कंट्री रॉ मटेरियल की ज्यादा प्रोड्यूसर थी और यही रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में आने का. अगर हमारे देश में खुद के इंडस्ट्रीज होती तो शायद ये चीज हमें नहीं देखनी पड़ती, बट उस टाइम इतना फोकस हमारा नहीं था. तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं थी क्योंकि हमारी मेजर वर्कफोर्स कहाँ लगी हुई थी? प्राइमरी सेक्टर. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? इंडस्ट्रीज. देखिए इंडस्ट्रीज के नाम पर बहुत गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी, शुगर इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, कोई ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी. ऐसा कहा जाता है कि 10% लोग ही कहाँ लगे हुए थे आपके पास? सेकेंडरी सेक्टर. सिर्फ 10% वर्कफोर्स पूरे देश की 10%, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रीज ही ज्यादा नहीं थी, एक दो गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी, राइट? आपको अगर टाटा की बात करते हैं, टिस्को जिसे कहा जाता है, वो भी 1907 में आपके पास आई, 1900 के आसपास आपके पास आई. तो ये तो आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी कि आपके कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस नहीं किया गया था, जरूरत नहीं लगी उस टाइम. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्री थी आपके पास, तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी. ओनली 10% ऑफ द वर्क फोर्स इन सेकेंडरी सेक्टर. और अगर मैं टर्जरी सेक्टर की बात करूं तो एक डेटा दिया जाता है कि 18% सर्विस सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह या बैंकिंग वगैरह इतना ही इस चीज़ में लगा हुआ था. तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमारे से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूछा जाता है, यानी हमारा वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, तो हमारा मेन वर्कफोर्स इज डूइंग प्राइमरी एक्टिविटीज और उससे कम सेकेंडरी एक्टिविटी और थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं तो टर्जरी सेक्टर. लेकिन देखिए कुछ स्टेट्स हमारे देश की ऐसी थी जो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ही प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हो चुकी थी और टर्जरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने लगी थी. कौन सी ऐसी स्टेट्स थी जिनमें हमें ये चेंज देखने को मिला? तो तमिलनाडु आपके पास है जिनसे जल्दी ही इस चीज़ में शिफ्ट कर दिया, यानी प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर की तरफ चले गए. तमिलनाडु है इसमें, महाराष्ट्र है इसमें आपके पास, केरला है इसमें आपके पास, राइट? मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है. कर्नाटका है आपके पास, राइट? वेस्ट बंगाल है हमारे पास. ये कुछ स्टेट थी जिन्होंने इनिशियली ही ये समझ लिया था कि प्राइमरी सेक्टर में अगर हम ज्यादा रहे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा. तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल आर सम ऑफ दी स्टेट्स विच आर स्टार्टिंग शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर. इनिशियल स्टेजेस में ही इन्होंने शिफ्ट कर दिया. लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी थी जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, जिन्होंने प्राइमरी सेक्टर पर अपनी डिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ा दी थी. तो ये है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे देश की जो वर्कफोर्स थी वो किस तरीके से डिवाइडेड थी, प्राइमरी में कितनी, सेकेंडरी में कितनी और टर्जरी में कितनी. हमने आपको ये भी बताया तीनों सेक्टर्स होते क्या हैं और ये भी बताया कि इसमें क्या रोल है. आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन कुछ हद तक कम हो चुकी है, पर हमारे देश में टर्जरी सेक्टर का रोल बढ़ चुका है क्योंकि 1991 के बाद, देखिए हम ये पॉलिसी आपके साथ डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है. चैप्टर पूरा फेज वाइज है. आपको आज़ादी मिली 1947 में 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद, तब आपके क्या हालात थे, ये फर्स्ट चैप्टर. फिर 1950 से लेकर 1990 तक अगला चैप्टर है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. 1991 की पॉलिसी से मैं बार बार कहती हूँ, उसके आने से पहले तक भी आपके हालात में कोई बदलाव खास नहीं मिले थे. फिर आपको पढ़ाई जाएगी 1991 की पॉलिसी जिसमें आपके पास एलपीजी पॉलिसी आई थी, जिसकी वजह से आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, टर्जरी सेक्टर था, उसमें बूम पकड़ा उसने.
और कहीं ना कहीं देखिए जब आपको कच्चा माल यहीं मिलता है और इंडस्ट्रीज आप यहीं खोल लोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए आती है टर्जरी सेक्टर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी सपोर्टिव एक्टिविटी होती है सेकेंडरी सेक्टर। तो क्योंकि हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया था तो इसलिए टर्जरी सेक्टर भी उतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो धीरे धीरे हम ये पढ़ेंगे चैप्टर, पूरा फेज वाइज है आपके पास, पूरा फेज वाइज है। अगर आप इसे समझेंगे कि आजादी मिलते ही हमारे देश के क्या हालात थे, अच्छा आजादी मिल गई 1950 से 1990 में जो कि सेकंड चैप्टर है, उस टाइम हमने क्या किया 40 साल में, और फिर 1991 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे देश में काफी बदलाव हमें देखने को मिला। तो डियर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज प्लीज इसे शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में आके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत लगती है, कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं, या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग प्रोग्रेस।